नमस्कार, लोक गाथा में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ चैतन्य विश्वंभर दास जी जुड़े हुए हैं। दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, चैतन्य विश्वंभर दास जी का जन्म भारत के हरियाणा राज्य में हुआ है और वे अभी कनाडा में अपने शिक्षा हेतु है। कनाडा में वो इस्कॉन से जुड़े हुए हैं और वहाँ वे इस्कॉन में सेवा भी देते हैं। वे अभी अपने BSc के पहले वर्ष में है और मात्र 18 वर्ष की आयु में उन्होंने गौड़ीय शास्त्र का, वह जो गौड़ीय संप्रदाय में जो सिद्धांत है, जो पुस्तकें हैं, उनका उन्होंने अध्ययन किया है। तो आज हम उनसे कुछ इसी विषय पर जुड़े हुए हैं कि हम कुछ हरिनाम की चर्चा करें और दर्शकों और स्वयं मुझे भी कुछ गौड़ीय संप्रदाय के विषय में पता चले। हरे कृष्ण प्रभु जी, कैसे हैं आप? हरे कृष्ण वेदांत प्रभु जी, अच्छे हैं, भगवान की कृपा है। आप कैसे? मैं एकदम एकदम बढ़िया हूँ। तो प्रभु जी, जैसे कि आज हम जुड़े हुए हैं हरिनाम संकीर्तन के महत्वता जानने के विषय में और कलयुग के विषय में, तो जैसे कि हमें कई शास्त्र आदि में पढ़ने मिलता है प्रभु जी कि कलयुग में हरि नाम की महत्वता बहुत है, पर जैसे कि हम हर आज के समय में हम हर चीज से करने से पहले उसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं, बराबर। कुछ इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो या कहीं कुछ करना हो तो हम प्रोज एंड कॉन्स चेक करते हैं। तो क्या आप हमें कलयुग के विषय में बता पाओगे कि कलयुग है क्या और कलयुग के क्या प्रोज एंड कॉन्स है? जी, तो बहुत अच्छा प्रश्न है। तो जैसे कि ये तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि जो हमारे वैदिक शास्त्रों में बताया गया कि चार हमारे युग है, फोर युग वी हैव, एंड उसमें है, पहले आते हैं सत्ययुग या कृतयुग, उसके बाद त्रेता युग, उसके बाद द्वापर युग, एंड फाइनली जिस एज में हम अभी हैं उसको बोलते हैं कलयुग। तो कलयुग इज उसको जैसे ये बोला जाता है कि रिलीजन ओवर टाइम डिग्रेड्स, सो द मोस्ट डिग्रेडेड पोजिशन ऑफ रिलीजन, मतलब जहाँ पे धर्म शास्त्र की निंदा और जहाँ पे उसका प्रचलन है वो उसको बोलते हैं कलयुग। सबसे ज्यादा जहाँ पे धर्मशास्त्रों की निंदा, उनका उल्लंघन करना, उसको दैट इज कलयुग। तो लेकिन शास्त्र में जो बताया गया है कि कलयुग के लक्षण भी यहाँ तक शास्त्र में प्रेडिक्ट किए गए हैं। एक पूरा जो एक चैप्टर है श्रीमद् भागवतम 12वें स्कंद में, चैप्टर नंबर 2, उसका नाम ही है सिम्टम्स ऑफ कलयुग। इफ यू ट्रांसलेट इन टू इंग्लिश, दैट इज नोन एज सिम्टम ऑफ कलयुग। तो हमारे शास्त्रों में बताया गया कि कैसे कैसे कार्य की होंगे कलयुग में, कैसे कैसे लोग बिहेव करेंगे, उनकी आयु कितनी, उनकी आयु कम हो जाएगी, और काफी सारे ऐसे प्रेडिक्शंस है पूरे चैप्टर में है। तो ये हो गए एक्चुअली, अगर हम इनको एक्सप्लेन कर जाएं तो ये तो पूरा एक भागवत सप्ताह ही हो सकती है कलयुग के लक्षणों पर। लेकिन एक श्रीमद् भागवतम में स्टार्टिंग में जो पहले स्कंद में उसका एक सार अतिसार प्रस्तुत किया गया है कि कलयुग, व्हाट इज एक्चुअली कलयुग। तो उसमें श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले चैप्टर के 10वें श्लोक में वो बहुत ही क्लियर कट दे टेल अस व्हाट इज कलयुग। सो बोलते हैं प्रायेनाल पायुषा सभ्य कालावस्मिन युगे जनाः मंद सुमंद मतयो मंद भाग्याह्युपद्रुतः। तो इसका मैं जस्ट इंग्लिश में ट्रांसलेशन दे देता हूँ एंड देन आई विल वी कैन एक्सपैंड ऑन दैट। सो इसमें बता रहे हैं कि ओ लर्न्ड वन इन दिस आयरन एज ऑफ कली, इस कलयुग के, इन दिस एज, इन इस कलयुग में जो मेन, द मेन ऑलमोस्ट ऑलवेज हैव बट शॉर्ट लाइव्स। सो इस जो कली के दौरान जो मनुष्य जाति है उसकी जो एज है, उसकी जो आयुष है, इसमें बोला गया है अल्प आयुष, इसका मतलब होता है वो अल्प आयु हो जाती है। अभी तो हमारे डेफिनेशन ऑफ अल्प आयु इज की लाइक अंडर, यू नो, अंडर 60 इयर्स और अंडर 80 इयर्स वी थिंक दैट्स अल्प आयु, बट जब उसको कंपेयर किया जाता है कि सत्य कृतयुग में क्या एज थी व्यक्तियों की, त्रेता युग में क्या एज थी, द्वापर युग में क्या एज थी, तो कलयुग में इवन 100 इयर्स, 150 इयर्स, दैट इज एक्चुअली इम्पॉसिबल काइंड ऑफ, नाउ वी थिंक अबाउट इवन 100 इयर्स, दैट इज ऑल्सो नोन एज अल्प आयुषः। तो पहले तो ये लक्षण हो गए। एज अ समराइज्ड वर्जन, भागवतम पुराण हमें बता रहा है कि जो कलयुग में अल्प आयुषः का बहुत प्रचलन होगा, इट इज बी वेरी कॉमन अल्प आयुषः। एंड सेकेंड इज कला, सो उसमें बताया कि अल्प आयुषः कलावस्मिन युगे जनः, जो कलयुग के, कलयुग युग, कली नाम के जो युग में जो जन होंगे, कलावस्मिन युगे जनः, तो वो लोग क्या होंगे। आगे बताया गया कि मंद सुमंद मतयो, not just manda, not just unlucky, very unlucky, sumanda. Manda is that can be translated as quarrelsome, and sumanda matayo, and very very misguided, unlucky, and always disturbed.
उपद्रिता मंद भाग्य उपद्रिता, मंद भाग्य इज अनलकी एंड उपद्रिता मतलब उपद्रित करने वाले, वेरी अनलकी पीपल। तो ऐसे श्रीमद् भागवतम और अन्य वैदिक शास्त्र भी हमें ये बताते हैं कि जो कलयुग में हर चीज का, जो हर सात्विक चीज है या हर जो आध्यात्मिक उन्नति देने वाली जो चीज है उसका नीचे दैट विल बी वेरी डिग्रेडेड। लेकिन जैसे आपने बोला कि प्रोज एंड कॉन्स, तो अभी शास्त्र ने पूरा बोल दिया कि कौन से कौन से हैं कलयुग में सिर्फ। एंड वी शुड ऑल्सो रियलाइज कि हम इस एज में हैं कि इवन इफ वी आर फेसिंग प्रॉब्लम्स और एनीथिंग, इट इज नॉट दैट कि इट्स जस्ट अस। शास्त्र में भगवान ने, ऋषि मुनियों ने, संतों ने, सबने ऑलरेडी बोल दिया कि हाँ आपको एक्सपीरियंस होंगे, तो एटलीस्ट हमें इस बात से तो निश्चिंत होना चाहिए कि एक्सपीरियंस है। अभी क्या है कि सोल्यूशन ढूंढना है, ठीक है? तो सोल्यूशन में क्या है, जैसे आपने प्रोज बोला, तो एक ही प्रो है, वन ओनली वन प्रो, और उसमें भागवत पुराण में ही बोलते हैं, जब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को यही प्रश्न पूछते हैं तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि जैसे हमने अभी चर्चा किया कि कॉन्स ऑफ कलयुग, राइट? तो सुखदेव गोस्वामी यही बोलते हैं कि कलिर दोषो निधेय राजन, जो कलयुग है कलिर दोषो निधेय राजन, उसमें सिर्फ दोष ही दोष है। लेकिन देन ही गिव्स अस द आंसर टू द क्वेश्चन वी आर लुकिंग फॉर, अस्ति हे को महान गुणः। आपने क्वेश्चन जब पूछा, आपने बोला प्रोज एंड कॉन्स, एक्चुअली इट्स जस्ट प्रो एंड कॉन्स, कॉन्स इज प्लूरल, बट जो प्रो है वो एक ही है। इसमें सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि अस्ति हे को, सिर्फ एक ही महान गुण है, अस्ति हे को महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम रचित, और वो एक गुण क्या है, कीर्तनादेव कृष्णस्य। आपने कहा, जैसे मैं दर्शकों को पहले बताना चाहूंगा कि यह जो हमारा पॉडकास्ट रहेगा वो हिंदी और अंग्रेजी का मिश्रण रहेगा, ताकि जो हमारे जी आज के अतिथि है वो अनकंफर्टेबल फील ना करे। तो आपको प्रभु जी भाषा की छूट है, आप हिंदी मिश्रित अंग्रेजी में कर जी सकते हो। तो जैसे कि आपने कहा कि कॉन्स प्लूरल है और जो प्रो है वो बहुत एक ही है, पर बहुत एकदम पोटेंसी है उस प्रो में। तो जो जो आपने कहा कृष्ण कीर्तन, तो वही गोस्वामी तुलसीदास जी अपने रामचरितमानस में कहते हैं, कलिजुग केवल नाम आधारा, कि कलयुग में केवल नाम ही आधार है। तब तो जैसे हम आए हैं कृष्ण से नाम, तो प्रभु का नाम हरि के नाम के ऊपर आए हैं, तो हम कहते हैं ना कि जैसे प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, अब जैसे अब हम आ रहे हैं पोटेंसी के ऊपर, शक्ति के ऊपर, तो हमें हमारे शास्त्र हरि नाम के ऊपर, नाम जप के ऊपर, संकीर्तन के ऊपर क्या कहते हैं कि हमें वो कलयुग में क्यों करना चाहिए, और उसकी महत्वता कलयुग में क्यों है अन्य युगों की अपेक्षा में, तब उसके ऊपर कुछ हमें कह पाओगे? जी बिल्कुल। तो हमारा एक एक्चुअली जो हमारे उपनिषदों में एक उपनिषद है कलयुग के लिए, उसको बोला जाता है कली संतरण उपनिषद। तो उसमें भी कलयुग के काफी लक्षण बताए जाते हैं, जैसे हमने अभी चर्चा किया कि भागवतम के, श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में भी बताया गया है। तो वैसे ही इस कलयुग संतरण उपनिषद में ना कि सिर्फ लक्षण है, इसमें सोल्यूशन भी है, भागवतम में भी है, बट जस्ट लेट्स टेक अ लुक एट उपनिषद्स। तो उसमें नारद जी ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछते हैं कि ये जो कलयुग के लोग हैं इनका कैसे उद्धार होगा उनको, तो क्योंकि वो तो दे नो एवरीथिंग, राइट? दे आर मुक्त जीवस, मुक्त नारद मुनि तो स्वयं भगवान के शाक्त अवतार हैं। तो उन्होंने हमारे लिए प्रश्न किया, जैसे गीता में अर्जुन भगवान से प्रश्न कर ले हमारे लिए, वो तो भगवान के पार्षद है। तो ऐसे ही नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि कलयुग में कल्याण कैसे हो। तो ब्रह्मा जी उसमें बोलते हैं कि हरेर नाम, नहीं हरेर नाम, हरेर नाम ये आता है बृहन नारद्य पुराण में, लेकिन इसको ये कनेक्ट होता है उसके साथ कली संतरण उपनिषद में, जहां पे वर्णन किया गया हरे कृष्ण महामंत्र का। तो वैसे तो भगवान के काफी सारे नाम है, जितना भी स्वयं चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि नाम नाम अकारि बहुधा निज सर्वशक्तिस, कि जो कितने भी नाम है, राम गोविंद कृष्ण जितने भी नाम है वो सब, एवरीथिंग इज ऑन द सेम लेवल। तो वी कैन ऑल्सो टेक दिस, ये जो कली संतरण उपनिषद में जो ब्रह्मा जी आंसर देते हैं उसमें उसमें स्पेशली हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा गाया गया है कि इति षोडशकम नाम नाम कली कलमश नाशनम, कि ये जो षोडशकम नाम है, जो इट्स डिस्क्राइबिंग द सिलेबल्स ऑफ द नेम, तो इतने अक्षरों का जो नाम है, इति षोडशकम नाम नाम कली कलमश नाशनम, जो कली के जो कलमश है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, एनी टाइप, वेदर स्पिरिचुअल कलामिटीज वी आर नॉट एबल टू फोकस स्पिरिचुअली, या फिर मटीरियल प्रॉब्लम्स ऑल्सो, अल्टीमेटली द सोल्यूशन जो बताया गया है कि कली कलमश नाशनम, कलयुग में जो भी कलमश है उसका सब नाश करने वाला है केवल हरिनाम। तो ऐसे ही
ये तो उपनिषद में हो गया, अभी तो मतलब अगर आप पुराणों के खोलेंगे तो मतलब ऐसे सागर है, सिंधु है, बिल्कुल कहीं भी खोलेंगे नाम महिमा, नाम महिमा। तो अभी एक पद्म पुराण का भी एक बहुत बहुत सुंदर श्लोक है, अगर हम एक्चुअली जो जब आप नाम महिमा के श्लोक पढ़ते हो तो आपको यू गेट मोटिवेशन कि ठीक है आई एम गोइंग थ्रू सो मेनी प्रॉब्लम्स इन लाइफ, लेकिन इसका सोल्यूशन है शास्त्रों में, जो ऋषि मुनि है, महान संत हैं, इन्होंने हमारे लिए तो दिया है, राइट। तो इसीलिए जो बताया गया है पद्म पुराण में, वो बोलते हैं कि नाम चिंतामणि कृष्णस। अभी आप सबने सुना होगा, वेदांत प्रभु आपने भी सुना होगा कि जो चेतन चिंतामणि, चिंतामणि पत्थर होता है एक, राइट। तो उसको आप अगर किसी भी चीज से टच कर दो गोल्ड हो जाता है, नाम चिंतामणि कृष्णस। तो उसमें पद्म पुराण का ये वाक्य बोला है कि जो कृष्ण नाम है वो एक्चुअली चिंतामणि है, कि अगर आप जो आपको भी जब मिलता है वो किसी और चिंतामणि से मिलता है, किसी भक्त संघ से, किसी साधु के संघ से मिलता है, नाम चिंतामणि कृष्णस। और जब आप उस नाम का स्वादन करते हो, आप जब उसको शरण, नाम को शरण लेते हो, देन आप भी चिंतामणि बन जाते हो। यू ऑल्सो गेन द पावर टू इंस्पायर अदर्स टू डू नाम, ठीक है। आप भी दूसरों को इंस्पायर कर सकते हो कि वो कैसे कली के कलमश से निकले, ठीक है। तो जैसे हमें, हम किसी, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ चिंतामणि एक्चुअली, कि हमें किसी संत से मिलता है और हम भी किसी को इंस्पायर कर सकते हैं। तो नाम चिंतामणि कृष्णस। और जो गोल्ड है वो दैट इज मटेरियल, राइट। अगर जब पृथ्वी का डिस्ट्रक्शन होगा तब गोल्ड भी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये ऐसा चिंतामणि है कि ये नॉट जस्ट मेक्स इट गोल्ड एंड नॉट इज इट इटर्न, नॉट ओनली इज इट इटर्नल बट इट ऑल्सो मेक्स मोर चिंतामणिज। जो चिंतामणि स्टोन है वो सिर्फ गोल्ड बनाता है, वो उस गोल्ड को चिंतामणि नहीं बनाता है, लेकिन जो नाम है वो और चिंतामणि बनाता है कि अच्छा अभी इस साधु ने इसके ऊपर कृपा करी, अब ये साधु बन जाएगा। साधु मतलब नॉट जस्ट वैरागी, साधु मतलब जिसको नाम में रस है, जिसको स्पिरिचुअली दैट पर्सन इज अपलिफ्टेड, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ साधु। तो इसमें पहले वाक्य में कि नाम चिंतामणि कृष्णस चैतन्य रस विग्रह, इसमें जो की वर्ड इज चैतन्य इज लाइफ बट रस विग्रह, वी आर ऑल लुकिंग फॉर हैप्पीनेस। हम मेनली जो हमारा एग्जिस्टेंस का जो द सार है, द एसेंस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस इज टू फाइंड हैप्पीनेस। हम जो भी कार्य करते हैं चाहे पैसा कमाना ही हो, अल्टीमेटली द गोल इज हैप्पीनेस। फ्लो फ्लो में बोल देते हैं कि मनी कैंट बाय हैप्पीनेस, बट अंदर तो सबको यही है कि मनी विल गिव अस हैप्पीनेस। बट यस, सो उसमें बोला कि चैतन्य रस विग्रह, जो नाम है इट इज द मूर्तिमान स्वरूप। विग्रह मीन्स द स्वरूप, विग्रह बट नॉट नॉट विग्रह और अ मूर्ति ऑफ लाइक मेटल और यू नो सम अदर पदार्थ। इट इज अ मूर्ति ऑफ मेलो रस, इट इज अ मूर्ति ऑफ हैप्पीनेस रस। तो उसमें बोला है चैतन्य रस विग्रह नित्य पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो, जो नाम है वो पूर्ण रूप से शुद्ध है। कई लोग बोलते हैं कि यू नो हम अशुद्ध अवस्था में नाम कर सकते हैं, नहीं ये तो आगे भी चर्चा करेंगे, हम नियम और यम नियम जो भी। तो जो नाम है वो एक्चुअली पूर्ण शुद्ध है, आप किसी भी स्थिति में नाम कर सकते हैं, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो। और जो नाम है इटर्नली लिबरेटेड, शाश्वत रूप से वो मुक्त है, नित्य मुक्तो, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पद्म पुराण के इस लास्ट श्लोक के लास्ट वाक्य में बोली गई, अभिनत्व नाम नामिनो। जो भगवान का नाम है, जो कृष्ण का नाम है, हरि का नाम है, वो एक्चुअली क्या है, अभिन्न है कृष्ण से। हमारे परमाराध्य श्रील प्रभुपाद, हमारे फाउंडर आचार्य, वो बोलते थे कि व्हेन यू चैंट हरे कृष्णा, राधा एंड कृष्णा डांसिंग ऑन योर टंग। कितना, इफ यू थिंक अबाउट इट, इट्स वेरी इमेजरी, बहुत सुंदर है इसकी। तो इसमें दैट इज वेरी नाइस। एंड जो ये पद्म पुराण का श्लोक है, इट इज कंफर्मिंग दैट कि अभिनत्व नाम नामिनो। अगर आप हरे कृष्ण बोल रहे हैं, आप जय श्री कृष्ण बोल रहे हैं, आप जय श्री राम बोल रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र इज एक्चुअली पूरा राधा कृष्ण का जो स्वरूप। हमारे आचार्य बोलते हैं कि गोलोक एर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, जो गोलोक में, जो वैकुंठ में जो प्रेम धन है वो हरि नाम के रूप में अवतरण हुआ है। तो इसलिए बोला गया कि अभिनत्व नाम नामिनो, जो नाम है और जो नामी है वो अभिन्न है। तो कई लोग प्रश्न करते हैं कि हमें भगवान के दर्शन होंगे तब हम बिलीव करेंगे कि ये भगवान है या नहीं। तो अभी भगवान का कहाँ वर्णन है, शास्त्र में वर्णन है ना। तो अगर आप ये मान रहे हो कि ये भगवान है, एटलीस्ट उनके दर्शन करके ही आपको कंफर्म होगा, तो ये भी मानो, विधि भी मानो ना, कि उस शास्त्र में बताया गया कि क्या विधि है भगवान को प्राप्त करने की। और कलयुग में भगवान के दर्शन केवल और केवल नाम से होंगे, क्योंकि पद्म पुराण में अभी बोल दिया कि अभिनत्व नाम नामिनो, कि नाम और नामी में दे अभिन्न, इन नॉन डिफरेंट। तो इफ यू आर चैंटिंग कृष्ण नाम, कृष्णा इज विद यू।
जैसे प्रभु जी आपने कहा कि हमें हमारे शास्त्र में बहुत अधिक नाम नाम जप के ऊपर नाम के ऊपर, और आपने बहुत अच्छा कहा कि आपने ये इसके ऊपर प्रकाश डाला कि नाम और नामी दोनों अभिन्न है, दोनों एक ही है। पर हमें यह, और यह भी हमें कई शास्त्रों में देखने मिलता है कि जो नाम होता है उसकी महत्वता इतनी अधिक होती है कि भगवान को अपने स्वरूप में उस नाम के जप के कारण भक्तों के लिए वो आ ही जाते हैं, इतने द्रवित हो जाते हैं वो भक्तों के ऊपर। तो आपने हमें पुराण आदि के श्लोकों से हमें ज्ञात करवाया। अब मैं आना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने इस पॉडकास्ट के एकदम प्रारंभ में कहा था, आप इस कौन से जुड़े हुए हो, आपने गौड़ीय शास्त्र का कुछ ना कुछ थोड़े मात्रा में, भरपूर मात्रा में अध्ययन किया है, और आपने आपने अभी कुछ आपने अभी कुछ उद्धृत भी किए हैं। जैसे आपने एक गोलोक के ऊपर श्लोक कहा, आपने जो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं उसका एक बहुत सुंदर भाव आपने सामने प्रस्थापित किया कि जब आप नाम जप करते हो तो राधा कृष्ण आपकी जीवा पर नृत्य करते हैं। बहुत आनंद आया मुझे तो यह सुनकर बहुत। तो क्या अब आप हमें, अब हम आते हैं एकदम रेस्ट्रिक्ट करते हैं हमें गौड़ीय संप्रदाय के शास्त्र से। अब जैसे मुझे केवल चैतन्य चरितामृत पता है क्योंकि मेरा अध्ययन बहुत कम है, तो आप हमें गौड़ीय संप्रदाय के शास्त्र से नाम जप की महत्वता, नाम या चैतन्य महाप्रभु या आदि संत जो है वो तो क्या कहते हैं नाम के विषय में या नाम जप के विषय में। जी, तो जो गौड़ीय संप्रदाय है उसका जो मूल है, मूलतिमूल, वैसे तो हमारा जो संप्रदाय उसका पूरा नाम है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। तो हम, हमारा जो मूल है उसमें ब्रह्म संप्रदाय से है, फिर लेकिन जो गौड़ीय शब्द ऐड हुआ है वो स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए, राधा कृष्ण मिलित स्वरूप श्रीमद चैतन्य महाप्रभु, तो उनके जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट कि गौड़ीय संप्रदाय, द डेफिनेशन ऑफ गौड़ीय संप्रदाय इज चैतन्य महाप्रभु। तो पहले हम उनके उनके जो इंस्ट्रक्शन है, उनके जो शिक्षाएं, उनके ऊपर थोड़ा लाइट डालेंगे कि उन्होंने क्या नाम के बारे में क्या बोला है। तो एक पूरा शिक्षाष्टकम लिखा है महाप्रभु ने, जो इट्स वन ऑफ द ओनली थिंग्स जो महाप्रभु ने स्वयं अपने अपने श्रीहस्त से लिखा है। तो महाप्रभु उसमें पहले श्लोक में ही स्टार्टिंग से ही नाम महिमा, चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो इसमें पूरा तो व्याख्यान कर सकते हैं, बट ऐसे तो सप्ताह लग जाएगा, वो भी कम पड़ेगा, लेकिन जो सारति सार है महाप्रभु स्टार्ट करते हैं कि चेतो दर्पण मार्जनम, जो नाम है क्या, वो कार्य क्या करता है। तो वी नो द प्रोसेस, ठीक है, शास्त्र ने बोल दिया, ब्रह्मा जी ने बोल दिया, पद्म पुराण ने बोल दिया, लेकिन वो नाम, हाउ डज इट वर्क इन प्रोसेस, है ना, कि हमने नाम करना शुरू किया तो एकदम कली कलमश खत्म, आज से हमारा सब कलमश खत्म। तो ऐसा महाप्रभु प्रोसेस बताते हैं कि कैसे होता है खत्म, कली कलमश एक्चुअली जाता कैसे। तो महाप्रभु स्टार्ट करते हैं चेतो दर्पण मार्जनम, तो और हार्ट, हमारा जो हृदय है उसको कंपेयर किया गया है चेतो दर्पण, एक दर्पण से, और उस दर्पण पर क्या हो गया है कि जन्म जन्मांतर से उसके ऊपर धूल मिट्टी मड सब कुछ लग चुका है, और दैट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ काम क्रोध मोह लोभ आसक्ति सब कुछ उसके ऊपर, हृदय के दर्पण पर सब कुछ लग चुका है। अभी महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि नाम कैसे काम करता है, चेतो दर्पण मार्जनम, ऐसे नहीं कि चेतो दर्पण सफाई, नहीं, सफाई क्या होता है कि हाँ ठीक है एक बार झाड़ू मारा तो हो गया, नाम क्या करता है चेतो दर्पण मार्जनम, मार्जनम मतलब निकल नहीं रहा, उसको घिसो घिसो घिसो, उसको बोलते हैं मार्जन करना। तो महाप्रभु बोलेंगे चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापणम, तो ये जो नाम है, ये जो हमारी दावाग्नि है, संसार दावाग्नि का मार्जन करके निकालता है, और इस संसार दावाग्नि का मार्जन कर करके उसको जो दर्पण है उसको साफ कर देता है और लेकिन वो नॉट ऑटोमेटिकली, उसको मार्जन करना पड़ेगा। तो इसलिए महाप्रभु जो, इसलिए मैं बोलूं कि जो मतलब गौड़ीय संप्रदाय में जो नाम की जो महिमा है, That starts from श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु। गौड़ीय संप्रदाय मतलब नाम, मतलब हमारे जो सारति सार संप्रदाय का जो है वो नाम, नाम के बिना कुछ नहीं है, एक्चुअली सभी संप्रदाय का है, जो जो भी संप्रदाय जो आध्यात्मिक रूप से भगवान की प्राप्ति करना चाहे या जो भी आध्यात्मिक रूप से कुछ भी प्राप्ति करना चाहे, आप किसी भी एरिया में देख लीजिए वहां पे नाम होगा ही होगा, चाहे हमारा सिख संप्रदाय हो गया, उनमें भी नाम महिमा है, ठीक है, काफी, मतलब नाम इज देयर बट इट्स जस्ट
संप्रदाय से क्या होता है कि वो इट्स द गोल चेंजेस कि आप उस नाम से क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं। तो हमारे संप्रदाय में तो प्रेम प्रेम पुरुषोत्तम, हम श्रीमन महाप्रभु प्रेम पुरुषोत्तम है और हमारा पंचम पुरुषार्थ इज प्रेम। तो जो हमारी तो इसलिए हम कमिंग बैक टू महाप्रभु कि महाप्रभु बोले चेतो दर्पण मार्जनम, नाम किस तरीके से काम करता है कि वो मार्जन करता है। एंड इसी पहले श्लोक में इन द थर्ड लाइन आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, इसमें ये नहीं कि आनंद थोड़ा सा मिल गया और आप बैठ गए ठीक है मुझे अभी कली कलमश मेरा हट गया कली कलमश नाशनम और अभी मुझे आनंद मिल गया नाम से, नहीं महाप्रभु बोलते हैं प्रतिपदम, आप जैसे ही नाम का आस्वादन करेंगे और आनंद, हर पद पे आनंद, एक स्टेप चले आनंद, दूसरा स्टेप चले और आनंद। तो आप सोचिए नाम कितनी कितना महिमा है। महाप्रभु बोल रहे हैं कि प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम और सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन, उस श्री कृष्ण संकीर्तन की जय हो जो सभी जीवात्माओं का स्नपन करता है, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो अभी तो महाप्रभु की चर्चा होगी, महाप्रभु जिन्होंने जो हमारे इष्ट हैं गौड़ीय संप्रदाय के श्रीमन महाप्रभु, तो उनके ही पदानुसार चलते हुए उनके ही शिक्षा अनुसार हमारे षड गोस्वामी हुए, अन्य आचार्य हुए, नरोत्तम दास ठाकुर और हमारे ही धारा में हमारी इस्कॉन की जो गुरु परंपरा है उसमें आने वाले श्रील भक्ति विनोद ठाकुर एक प्रमुख आचार्य हुए जो श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज थे, उनके पिताश्री, उनको हम टाइटल देते हैं एक्चुअली सेवंथ गोस्वामी, मतलब वो बहुत ही he is very, very special in terms of establishing सिद्धांत इन द संप्रदाय। तो उन्होंने एक ग्रंथ लिखा श्री हरिनाम चिंतामणि, उसमें उन्होंने हरिनाम की ग्लोरीज के ऊपर लीलाओं के साथ हरिनाम की महिमा बताई। तो अभी हम उसमें से ही जो हरिनाम चिंतामणि है, और सॉरी आई एम जस्ट गोना चेंज एंड गो बैक, आपने मेंशन किया था कि चैतन्य चरितामृत आपने अध्ययन किया है, तो उसमें से जो बिकॉज हमने महाप्रभु की बात किया तो भक्ति विनोद ठाकुर को जाने से पहले एक बार चैतन्य चरितामृत डिस्कस कर ले। तो चैतन्य चरितामृत में भी ऐसा ही वर्णन है कि कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कृष्ण हैते हना सर्व जीवेर निस्तार, सर्व जगत एर निस्तार, कि सर्व जगत का निस्तार कैसे हुआ। आप देखेंगे कि एक्चुअली जो कोटेशन आ रहे हैं ये शास्त्र में या गौड़ीय संप्रदाय के शास्त्र में ये ऑलमोस्ट आपको लगे जस्ट रेपेटेटिव, एक ही बात बोल रहे हैं सबके निस्तार होगा नाम करो राइट। तो मतलब शास्त्र और आचार्य इतने कृपालु हैं कि उनको पता है ये कलयुग के जीव ऐसे हैं, एक बार लिखेंगे तो समझने वाले तो है नहीं, इनको बार बार दो बार बार वही बात इनके माइंड में डाल दो कि कभी तो समझे। तो ऐसे चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ एक्चुअली तो पूरा ग्रंथ आप कहीं किसी भी चैप्टर में जाएं एक ना एक दो श्लोक तो नाम महिमा 100% है, क्योंकि वो सार है सभी संप्रदाय का, स्पेशली जो श्रीमन महाप्रभु के हमारे गौड़ीय संप्रदाय, उसमें तो एक तो इष्ट हमारे महाप्रभु और एक इष्ट हमारे आचार्य और तीसरा इष्ट हमारे नाम। तो दैट इज चैतन्य चरितामृत, ये हमने एक श्लोक डिस्कस किया। एंड नाउ कमिंग बैक टू श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जो उनके हरिनाम चिंतामणि है, तो उसमें एक वो एक चैप्टर नंबर 2 में ही मेंशंस दैट द लीला ऑफ श्री हरिदास ठाकुर। तो एक हमारे आचार्य हुए जो जिनको श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको पदवी दी श्री नाम आचार्य के रूप में, क्योंकि वो 300,000 नाम एवरी सिंगल डे जप करते थे, 300,000 नाम, दैट इज हम सोच भी नहीं सकते, मतलब हम कितनी भी महिमा बोल लें बट इतना रस तो इतना लगाव नहीं है नाम के प्रति हमारा। वैसे तो शास्त्र ने बोला कि प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, लेकिन हमारा लगाव नहीं इसलिए हमें आनंद नहीं आता, अगर एक बार नाम से लगाव हो जाए तो किसी कोई भी चीज सब चीज नीरस हो जाएगी। तो इसलिए जो जी प्रभु इसके ऊपर जो आपने कहा कि नाम के भीतर हमें लगाव होना, तो मुझे जगत गुरु मलुक पीठाधीश्वर महाराज जी है राजेंद्र दास जी, उनका स्मरण हुआ है। उन्होंने अपने प्रवचन में कहा था कि नाम जप या नाम की महिमा क्या है कि हमें नाम से प्रेम हो जाए और हम नाम जब कभी छोड़े नहीं, ये नाम जब की उत्तम महिमा। जैसा आपने कहा कि प्रेम भाव बढ़े प्रतिदिन बढ़े, तो मुझे अभी जो जैसा आपने कहा मुझे उन्हीं का स्मरण हो आया, उन्हीं राजेंद्र दास जी महाराज तो अमेजिंग आचार्य, वेरी स्ट्रॉन्ग, उनका जो नाम महिमा उनका धाम निष्ठा बहुत सुंदर है, नाम के ऊपर नाम महिमा उनका है कि नॉन इज वेरी नॉन सेक्टेरियन, बहुत ही शुद्ध भाव है महाराज जी का, बहुत अमेजिंग। हम भी सुनते हैं महाराज जी का, अमेजिंग राजेंद्र दास जी महाराज जी। तो कमिंग बैक टू द हरिनाम चिंतामणि, तो उसमें वो हरिदास ठाकुर जी का लीला प्रस्तुत करते हैं भक्ति विनोद ठाकुर। तो हरिदास ठाकुर कौन थे कि जो चैतन्य महाप्रभु थे, ही हैड गिवन हिम द
पोस्ट ऑफ नामाचार्य, लेकिन इफ यू स्टडी द लाइफ ऑफ श्रील हरिदास ठाकुर, वो एक्चुअली बोर्न हुए थे एक मोहम्मडन फैमिली में, एक मुस्लिम फैमिली में, लेकिन शुरू से ही उनको क्या मिला था, नाम, नाम की महिमा मिली थी उनको, वैष्णवों का संग मिला था, तो इसीलिए उनकी शुरू से ही जैसे उनके जीवन शुरू हुए उनका नाम में प्रीति हो गई। तो उसी दौरान चलते उनके जो पूरी जीवन में जो लीलाएं हुई, महाप्रभु ने उनको उनका निष्ठा देखी, नाम निष्ठा देखी, तो महाप्रभु ने उनको नामाचार्य का पद दिया। तो इसमें उसी लीला का जो भक्तिविनोद ठाकुर है अपनी बंगाली भाषा में वर्णन करते हैं, तो ये थोड़े से पद हैं, मैं एक तो गा लेता हूँ। तो महाप्रभु बोलते हैं कि नीच कुले अवतारी देखा ल सकले, धन माने कुले शिले कृष्ण नाही मिले, धन माने कुले शिले कृष्ण नाही मिले। चाहे आपका नीच कुल में आपका अवतार हुआ है हरिदास ठाकुर, महाप्रभु बोले, तो ऐसे भक्तिविनोद ठाकुर उस लीला को लिखते हैं, महाप्रभु हरिदास ठाकुर को बोलते हैं कि आपका नीच कुल में हुआ है, यू हैव डिसेंडेड हियर एंड अपीयर्ड इन अ लो फैमिली, शोइंग एवरीवन दैट इट इज नॉट बाय वेल्थ रिस्पेक्ट बर्थ इन अ हाई फैमिली और थ्रू मंडेन वर्चूज दैट वन इज केपेबल ऑफ कनेक्टिंग विद कृष्णा। कोई भी ऐसी भौतिक चीज नहीं है जिससे, जैसे वर्णन किया कि लक्ष्मी, रिस्पेक्ट, मान, बर्थ इन अ हाई फैमिली, उस किसी भी चीज से आप कृष्ण को आकर्षित नहीं कर सकते, महाप्रभु ऐसा हरिदास ठाकुर को बोलते हैं, और उनको ऐसा ग्लोरीफाई करते हैं कि आपने इसीलिए एक मुस्लिम फैमिली में जन्म लिया कि आप दिखा सको ये, कि यू कैन सेट एन एग्जाम्पल, जो आचार्य ऐसे करते हैं वो महाप्रभु बोलते हैं कि इसीलिए आप ये लीला कर रहे हो। तो आगे बोलते हैं कि अनन्य भजने जार श्रद्धातिशय, देवता अपेक्षा श्रेष्ठ से महाशय। वन हु हैज इंटेंस श्रद्धा इन एक्सक्लूसिव भजन, हरि नाम भजन, इज सुपेरियर इवन टू द देवताज, ही इज अ ग्रेट पर्सनैलिटी। एक कोटेशन आता है शास्त्र में कि जो देवता भी प्रार्थना करते हैं कि हमें भारत भूमि में जन्म मिले, कि हम भी संतों की रज में जाएं, हमें भी उनका एसोसिएशन मिले, हम भी मुक्त हो, हम भी भगवान का भजन करें। आप सोचिए देवता ऐसा कर रहे हैं, और हम जो भारतवर्षी हैं, हम अभी वेस्टर्न, हमें वेस्टर्न अच्छा लगता है, तो इसलिए शास्त्र पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए कि इवन पीपल हु आर, देवताओं का वर्णन किया गया कि वो क्या क्या नहीं एंजॉय करे स्वर्ग में। दे वॉन्ट टू कम, दे वॉन्ट टू लीव ऑल दैट, कि छोड़ो, उनको पता है कि असली क्या है, आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम इसमें है, ना कि उसमें। तो इसीलिए महाप्रभु बोल रहे हैं कि जो आपकी जो श्रद्धा है हरिनाम भजन में, दैट मेक्स यू इवन ग्रेटर देन द देवतास। तो आगे बोलते हैं महाप्रभु हरिनाम चिंतामणि में, नाम तत्व सर्वसार तोमार विदित, आचार्य आचार्य तुमी प्रचार पंडित। यू अंडरस्टैंड नाम तत्व, आपको नाम तत्व की पूर्ण तरह ज्ञान है, विच इज द एसेंस ऑफ एवरीथिंग, जो सब चीज का सार अतिसार है। महाप्रभु कितने, मतलब इतने स्वीट बंगाली में सब कुछ दे देते हैं। You are a perfect example of proper conduct and you are the most expert in propagation. तो आप क्या करते हैं, स्वयं आचार्य आचार्य तुमी, जो आप स्वयं आचरण करके आप दूसरों को सिखाते हैं, इसीलिए आप क्या हैं, आप पंडित हैं। हम किसी को बोलेंगे जो मुस्लिम फैमिली में बोल रहे हैं कि आप पंडित हो, नहीं, लेकिन क्योंकि we are looking externally कि एक्सटर्नली कैसा है। बट हरिदास ठाकुर, इवन दो ही हैज सम फैमिली, वाज बोर्न इन लो फैमिली, हरिदास ठाकुर महाप्रभु बोल रहे कि आपका, क्योंकि नाम में इतनी श्रद्धा है, और ना कि नाम में श्रद्धा है, आप अपने आचरण से दूसरों को भी श्रद्धा प्रकट करवा रहे हो, इसलिए आप क्या हो, आप हो असली पंडित, यू आर द ट्रू पंडित। और अभी लास्ट में बोले कि बल हरिदास नाम महिमा अपार, सुनिया तुम्हार मुखे आनंद अमार। महाप्रभु बोलते हैं कि ओ हरिदास ठाकुर, स्पीक अबाउट द ग्लोरीज ऑफ द अनलिमिटेड होली नेम, इफ आई हियर देम फ्रॉम योर माउथ आई विल फील ब्लिस। महाप्रभु जो स्वयं भगवान है वो बोल रहे हैं कि हरिदास ठाकुर, आप नामाचार्य हैं, आपने नाम को इतना, इतने शुद्ध तरीके से, इतनी श्रद्धा से भजन किया है कि अगर आप नाम की महिमा गाएंगे तो भगवान को आनंद मिलेगा। जिन भगवान का नाम है वो भगवान के नाम का गुणगान करेंगे तो भगवान को आनंद मिलेगा। तो आप सोचिए कि हमें, मतलब उस नाम को बोलने में कितना आनंद मिलेगा। जस्ट प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि वी आर नॉट लगाव नहीं है, जैसे आपने पूज्य राजेंद्र दास महाराज जी का एग्जाम्पल दिया था। तो इसलिए हमारी जो गौड़ीय संप्रदाय में, ये तो एक पूरी हरिनाम चिंतामणि बुक का एक छोटे से चैप्टर का एक सेक्शन बताया मैंने आपको। तो आप सोच लीजिए कि कितने आचार्य हुए, कितने ही लेखन हुए, कितने ही डिस्कशंस हुए, कितने ही कीर्तन हुए, मतलब अनलिमिटेड ग्लोरीज ऑफ द होल नेम, सिंधु, एक अपार सिंधु है। प्रभु जी, आपने जो अभी बंगाली में जो पद गाए,
कानों के लिए वो बहुत ही मधुर थे। मेरी एक इच्छा है कि आप बिना रुके कोई दो पद गा के सुना दीजिए, जो भी आपके सामने प्रस्तुत है, फिर जो अभी आपने गाए हैं, जो आपको प्रिय लगते हैं, कोई एक या फिर दो पद आप वो गाकर सुना दीजिए। एक भजन है हमारे नारोत्तम दास ठाकुर ने लिखा है, एक हमारे आचार्य हुए, उन्होंने काफी भजन लिखे हैं, एक प्रेम भक्ति चंद्रिका, पूरी बुक जस्ट भजन्स हमारे। और जो हमारे वर्तमान आचार्य हैं वो प्रभुपाद जी और उनके अन्य शिष्य, वो बोलते हैं कि इफ यू लिसन टू द भजन्स ऑफ नारोत्तम दास ठाकुर सभी शास्त्रों का ज्ञान आपको मिल जाएगा, क्योंकि उसमें क्या है, नाम महिमा, भक्त महिमा, कृष्ण, मतलब यू नो इसमें सब कुछ है। तो इसीलिए आई लिसन टू दोज अलॉट। तो उसमें ही है एक, उन्होंने हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, तो वो नॉर्मली भी सिंग कर सकते हैं, बट बांग्ला एक्सेंट में तो अलग ही है ना, तो इसीलिए उसका ही उसके वी कैन आई कैन सिंग टू थ्री लाइंस ऑफ दैट। मतलब इट्स नॉट, उसको वैसे तो संस्कृत भगवान के नाम ही है, उसमें एंड ऑफ द थिंग जाके बांग्ला शुरू होता है, बट पूरा जो पद है आप बांग्ला में, बांग्ला ट्यून में गा सकते हो। हरिहराय नमो कृष्ण जादवाय नमो जादवाय माधवाय केशवाय नमो गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधरी गोपीनाथ मदन मोहन श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। अभी तो और भी है काफी, बट अभी के लिए जी। इसमें संतों के कई नाम आए, जीव गोस्वामी, षड गोस्वामी, जी जो हमारे षड गोस्वामी, षड गोस्वामियों के नाम जी। बहुत बहुत आनंद है प्रभु जी सुनकर। और एक मैं एक बात कहना चाहूंगा, जैसे कि आपने कहा कि चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें कहा कि हरिदास ठाकुर जी को कि आप आपके आचरण से प्रचार करते हो, तो इसके ऊपर मुझे जैसे कि हमारा जैसे कि हमारी कुछ क्षण पूर्व बात हुई थी इस पॉडकास्ट के पहले, तब मैंने आपको गीता प्रेस के विषय में कहा था, तो गीता प्रेस के तीन कर्णधार में कर्णधार हुए परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। तो राम सुखदास जी महाराज को किसी ने प्रश्न किया था कि हम प्रचार कैसे करें, अब इतने वांग्मय है इतना है, तो स्वामी जी ने उन्होंने उन्हें केवल एक ही कहा था कि जो आप पढ़ते हो उसे अपने आचरण में लाओ, जो आपका आचरण होता है वही सबसे श्रेष्ठ प्रचार होता है। बिल्कुल जी। इसका मुझे कृष्ण शक्ति बिना तार नहीं प्रवर्तन, चैतन्य चरितामृत में बोला गया कि जो कृष्ण शक्ति के बिना आप प्रचार नहीं कर सकते, कृष्ण शक्ति बिना तार नहीं प्रवर्तन। और वो कृष्ण शक्ति कैसे आएगी, जब आप स्वयं भजन करेंगे, स्वयं आचरण करेंगे, तो उससे वो ही सबसे बड़ा प्रचार है एक्चुअली। जब तक आप स्वयं उस आनंद का अनुभव नहीं कर सकते तो आप किसी को क्या ही बताएंगे, राइट? सही है, जैसे कि मंदोदरी रावण से रामचरितमानस में कहती है पर उपदेश कुशल बहु तेरे जे आच रही ते नर ना घनेर, मतलब दूसरों को उपदेश देना बहुत सरल है पर उसे अपने आचरण में लाना बहुत कठिन है। बिल्कुल, तो सारे साधकों का, सारे भक्तों का, और हमें तो इस कौन में देखने ही मिलता है कि जो वे आगे प्रचार करते हैं वे अपने जीवन को भी उतने ही संयमित रूप से रखते हैं। जैसे मैंने कहा था मैं इस्कॉन के जो चरनी रोड वाला इस्कॉन है, तो वहां पे मैं कई बार जा चुका हूँ, वहां पे कई प्रभु जी के साथ मैं वार्तालाप भी कर चुका हूँ, तो आनंद आता है कि अपने जीवन को इतना संयमित रख केवल हरि नाम के प्रचार के लिए, बहुत आनंद आता है। तो आपने हमें नाम जप, नाम इनकी महिमा गा के सुनाई, आपने हमें बहुत सुंदर पद भी गा के सुनाया। अब हम आते हैं कि हमने नाम की महिमा जान ली, पर क्या होता है प्रभु जी, जैसे हमें पता है कि वी नो, अभी हमने पढ़ा है, अब हम उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। अब जैसे मैं स्विमिंग बुक्स से पढ़ के तो मुझे वो फील नहीं आएगा ना स्विमिंग का, मुझे तो स्विमिंग पूल में, वेल में, कहीं पॉन्ड में उतरना पड़ेगा स्विमिंग करने के लिए। तो जैसे ही अभी हमने नाम जप के विषय में देखा, नाम के विषय में देखा, अब हम उसको अपने जीवन में लाए, तब जैसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जैसे कुछ वैदिक मंत्र होते हैं, उसमें आपको आपकी आचार शुद्धि, आपका भोजन शुद्ध होना चाहिए, आपके कपड़े शुद्ध होना चाहिए, एक कुछ वातावरण में ही आपको बैठना चाहिए, तो वैसे क्या हमें नाम आदि के लिए भी कहीं कुछ रोक है कि कब नाम करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो किस रूप में करना चाहिए, आप कुछ इस विषय पर अगर कहोगे तो आनंद आएगा, कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है नाम के, नाम जप के संबंधित। जी जी, तो जस्ट मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, आप बात कर रहे थे वो आचार प्रचार के बारे में, तो एक और जैसे आपने बोला कि जो इस्कॉन में जो प्रचार करते हैं वो दे लिव दैट लाइफस्टाइल, तो आप जानते होंगे काफी फेमस है हमारे अमोघ लीला प्रभु जी, इज वेरी बहुत अच्छे अच्छे तरीके से प्रचार करते हैं, तो वो जो
जी, मैं उनके एक यूथ बिल्कुल। फेस्ट में भी गया हुआ हूँ, मैं उनके एक यूथ यूथ फेस्ट में भी गया हूँ, चंडी रोड ग्रुप विप्लव का फेस्टिवल, यूथ विप्लव नाम तो विस्मरण नहीं, जो 4 वर्ष पूर्व हुआ था उनका। जी, ठीक है। नहीं तो वो इफ यू से उनका एक यूट्यूब में वीडियो है, वो इतने मतलब जो कमरा है उनका, यू कैंट इमेजिन, मतलब कोई वहां पे रह रहा है, मतलब ऐसा वो बिल्कुल इतना वैराग्यपूर्ण जीवन जीते हैं, और मतलब कितना ही फॉलोइंग है उनका, आई हैव सीन राइट यूट्यूब पे भी, और मैंने उनसे बात पर्सनली भी बात किया, लेकिन द ह्यूमिलिटी जो, क्योंकि वो आचरण से ही आते, जो पूज्यपाद राजेंद्र दास जी महाराज भी बोल रहे थे कि दो चीज होने से साधक में, सेवा और साधना। अगर सिर्फ सेवा है और साधना नहीं है तो वो भी दैट यू वोंट गो एनीवेयर, क्योंकि आपका फिर जो सेवा में आपका श्रद्धा है वो चली जाएगी, और अगर सिर्फ साधना है और सेवा नहीं है तो आपको अहंकार हो जाएगा कि मैं कितनी साधना करता हूँ, तो इसीलिए सेवा और साधना दोनों ही चाहिए। तो ये जो हमारे अमोघलीला प्रभु जी, मतलब उनका कमरा, उनका पूरा लाइफस्टाइल पे एक वीडियो बनाया गया है, रेडियो द्वारका नाम से एक यूट्यूब चैनल है, और इस्कॉन द्वारका या फिर माय आश्रय पे भी है, तो उसमें उनको उनका छोटा सा कमरा है, बिल्कुल सिंपल लाइफस्टाइल, छोटी सी टेबल, प्रसाद भी वो बिल्कुल सिंपल प्रसाद लेते हैं, और कितना प्रचार, कितना 24/7 गुरु की सेवा में लगे हैं। तो ऐसे ही मतलब बहुत ही, इट्स वेरी इंस्पिरेशनल देखने के लिए, मतलब जो स्वयं इट, देयर नॉट जस्ट सेइंग इट राइट। एक तो बात होती है कि सिर्फ बोलना कि हाँ आप करो आनंद में रहो, नहीं, एक होता है स्वयं दिखाना कि आनंद में कैसे रहते हैं राइट। तो अभी आपके प्रश्न के ऊपर आते हुए, जो हरि नाम के बोलने के लिए या हरि नाम जप करने के लिए हमारे जो नियम यम नियम जो भी हैं, तो एज अ जनरल स्टेटमेंट, जैसे हम शुरुआत में डिस्कस कर रहे थे जो ब्रह्मा जी और नारद जी के बीच में संवाद हुआ, उसमें कलि संतरण उपनिषद में, तो जो आप पहले ये समझिए कि अभी हम किस एज में हैं, कौन से युग में हैं, अभी कलयुग में राइट। अभी जो हमारे जो फैक्ट्री रिसेट है शुरू से ही वो खराब है, क्योंकि ये जो सप्लाई है कलयुग में जो आ रही है वो ही खराब ही है, तो उनसे पहली बात तो भगवान या साधु संत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते ही नहीं है। तो इसीलिए जब नारद जी ने प्रश्न किया, उन्होंने यही बोला पूरा कि आप ये जो कलयुग है इतनी इतनी कलमश है इसमें, तो उसमें क्या क्या नियम, लाइक किस तरीके से उससे उभरे। अभी अगर उसमें भी अगर हम वैदिक मंत्रों के नियम या कर्म कांड के नियम डाल दें तो फिर क्या फायदा, फिर वो तो हम सतयुग में ही दे देते नाम महिमा, तो मेडिटेशन करवानी होती है सब करवाना, तो कलयुग में ही क्यों, क्योंकि दैट इज हमारे लिए ही है स्पेशली, हम कलयुग में आए हैं, इसका मतलब यू नो हाई क्वालिटी के जीव है तो है नहीं हम, तो इसीलिए शास्त्रों में भी जो संत होते हैं, जो ऋषि मुनि या ब्रह्मा जी जो हमें बोल रहे हैं कि जो नाम का जो उपदेश दिया गया है वो स्पेसिफिकली हमारे लिए। अगर आप भागवत में देखेंगे तो एक्चुअली सभी एज नाम इतना महिमा है, नाम की इतनी महिमा कि जो सभी युगों में नाम की महिमा है। अभी जो मेडिटेशन है, यज्ञ है, डीटी वर्शिप है, उसकी डिक्लाइनिंग महिमा है, कि जो यज्ञ करना, और उसको मतलब आप मेडिटेशन अभी करेंगे तो उतनी महिमा नहीं है उसकी, क्योंकि आप नहीं कर सकते, आप 100 साल तो जी रहे हैं, जो कृतयुग में जो मेडिटेशन करते थे, दे यू डूइंग मेडिटेशन फॉर 60,000 ईयर्स, क्योंकि उनका लाइफ स्पैन इतना लंबा था, तो इसीलिए हम सुनते हैं कि ओके इस राक्षस ने इतनी साल तपस्या की, तो कभी कभी लगता है माइथोलॉजी है, नहीं उनका एक्चुअली उनका लाइफ स्पैन ही कुछ ज्यादा ही लंबा था, इसलिए वो कर पाते थे। तो हमें जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है हमारे जो फॉर आर लो क्वालिटी जीवस हु आर इन कलयुग, नॉट जस्ट माई सेल्फ, नॉट जस्ट एनी वन एल्स, इट्स एवरी वन इन कलयुग हु इज एक्चुअली कमिंग। तो इसीलिए हमें जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है वो है हरि नाम। तो उसमें कमिंग बैक टू महाप्रभु शिक्षाष्टकम, महाप्रभु सेकेंड श्लोक में क्या बोलते हैं कि पहले तो अपने, जैसे आपने प्रश्न किया पहले कि नाम की महिमा क्या है, तो पहले महाप्रभु ने नाम की महिमा बता दी, तो उसके बाद जनरली लोगों, किसी का भी प्रश्न होगा कि क्या नियम है, तो महाप्रभु सेकेंड श्लोक में नियम बता देते हैं, तो कि प्रश्न ना रहे आगे। तो इसीलिए महाप्रभु बोलते हैं सेकंड में कि नाम नाम अकारि बहुधा निज सर्व शक्तिस तत्रार्पिता नियमितः न स्मरणे न कालः, दैट इज द की। ये जो टू लाइंस ऑफ द सेकंड श्लोक ऑफ शिक्षाष्टकम बाय महाप्रभु, महाप्रभु बोलते हैं कि नाम नाम अकारि बहुधा निज सर्व शक्तिस, कि जो कृष्ण ने अपनी सारी शक्ति है जो अन्य युगों में अन्य चीजों द्वारा प्राप्त की जाती है, जैसे यज्ञ से, मेडिटेशन से, अर्च विग्रह सेवा से, जो सारी जो शक्ति है कृष्ण की कृपा है वो कहाँ डाल दी है, नाम नाम आकारी बहुधा निज सर्व शक्तिस तत्रार्पिता, वो जो कृष्ण क्या कर दिया, अर्पण कर दिया है। कृष्ण ने देखा कि कलयुग में आने वाला है अभी, तो कृष्ण क्या किया, वो सारी शक्तियां किसमें अर्पण कर दी, नाम में, नाम नाम आकारी बहुधा, और किस नाम में, सभी नामों में। उसमें इसका जो ट्रांसलेशन किया गया उसमें लिखा है कि राम गोविंद कृष्ण जो भी नाम, सभी नामों में कृष्ण ने ये शक्ति प्रदान कर दी है। और आगे महाप्रभु बोलते हैं तत्रार्पिता नियमितः
नियमितः स्मरणे न काल, ना इसका कोई नियम है और ना इसका कोई स्मरण का स्पेसिफिक काल है। इन अ जनरल अंडरस्टैंडिंग अगर हम सोचें कि नाम आप कहीं भी उच्चारण कर सकते हैं और वो किसी ना किसी हद तक फलदायक है, लेकिन वी हैव टू डिसाइड कि हमें नाम की कैसे कृपा लेनी है। अगर हमें नाम सिर्फ ये चाहिए कि हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष चाहिए, तो आप कीजिए जैसे भी नाम करना है तो, राइट, आप जैसे भी, मतलब आपको, मतलब जैसे भी आपसे नाम हो, पहली बात तो जैसे भी कर, जिस भी सिचुएशन में आप कीजिए, क्योंकि महाप्रभु ने आदेश कर लिया कि स्मरण का नियम नहीं है और न नियमितः स्मरणे न काल है, न काल का नियम है न स्मरण का नियम है कि आप किसी भी काल में किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। लेकिन जो हमें जो गोल प्राप्त करना है, हमें जो प्रेम प्राप्त करना है भगवान के प्रति, तो उसके लिए हमें केयरफुली नाम जप करना है। और नाम जप में सिर्फ इतना ही नियम है, द वर्ड केयरफुली इज ट्रांसलेटेड कि नाम जप में इतना ही नियम है कि हमें अटेंटिवली जप करना है। अटेंटिवली मीन्स ध्यान पूर्वक, इसका दैट इज द ओनली नियम, टू बी ऑनेस्ट। अगर आप, ये तो शुद्धिकरण के वेज है कि आप स्नान करके कीजिए, आप बैठ के कीजिए, आप ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए, दिस, ये जो नियम बताए गए हैं, दे आर नॉट कंस्ट्रिक्टिंग यू टू डू नाम। जो नियम है ये आपको बाध्य नहीं करे कि आप नियम फॉलो नहीं करेंगे तो नाम नहीं कर सकते। जो वैदिक मंत्रों में, जो वैदिक विधियों में ऐसा है कि अगर आप ये नियम नहीं करेंगे तो आप ये विधि का पालन नहीं कर सकते। लेकिन जो नाम में है, ये जो विधि दी भी गई है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, हमें नाम जप करना है, स्नान करना है, अर्च विग्रह पूजा करना है, तो उसे जो दैट इज ऑल की नाम की सहायता करे, नाम जप में सहायता करे। मैं रिसेंटली सुन रहा था कि एक प्रभु जी बता रहे थे कि जो एवरीथिंग जो हम कर रहे हैं, एक आचार्य ने भी कोट किया है, अभी मेरे स्मरण में नहीं आ रहा है, कि जो ऑल ओवर डिवोशनल एक्टिविटीज, श्रील रूप गोस्वामी 64 प्रकार की डिवोशनल एक्टिविटीज, भक्ति के प्रकार मेंशन करते हैं कि डिफरेंट टाइप्स, यू नो, भगवान का दंडवत करना, भगवान का मंदिर साफ करना, अर्च विग्रह सेवा करना, यज्ञ करना, अलग अलग प्रकार की। तो उसमें जो ऑल ऑफ देम और सिंपली फॉर द मैटर कि आपके नाम जप में सहायता हो। ऐसा नहीं है कि आप वो नहीं करेंगे तो नाम जब फायदा नहीं होगा। तो जो सब चीजें हैं वो देर जस्ट टू हेल्प यू डू श्री नाम, ठीक है। तो इसलिए महाप्रभु बोलते हैं नियमित स्मरणे न काल है। आगे एता दृशी तव कृपा भगवन ममापी, जो आपकी सर्व कृपा है, नहीं सॉरी, एता दृशी तव कृपा भगवन ममापी, कि भगवान आपकी जो कृपा है मैं उसको देख नहीं पा रहा हूं, कि आपने जो इतने इजी बना दिया है कि बस नाम लो, अभी मैं बैठे बैठे कुछ नहीं कर रहा हूँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे, ना मैंने कोई आचमन किया, ना मैंने शुद्धिकरण किया, कुछ नहीं किया। अगर करूंगा तो उससे क्या होगा, ठीक है, थोड़ा शुद्धिकरण होगा, दैट विल हेल्प मी डू नाम, लेकिन अल्टीमेटली इज इट स्टॉपिंग मी फ्रॉम डूइंग नाम, नो। तो इसलिए एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि, हे महाप्रभु कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हे कृष्ण मैं आपकी कृपा देख नहीं पा रहा हूँ, दुर्दैवम ईदृशम इहा जनिनानुराग, मेरा इस नाम में जिसमें कोई नियम नहीं है, कोई स्मरण का काल नहीं है, कुछ नहीं है, इसमें मेरी क्या हो रहा है, इहा जनिनानुराग, मेरा इसमें अनुराग नहीं हो रहा है। इसीलिए महाप्रभु बोलते हैं कि एक्चुअली तो नियम नहीं है, बट द प्रॉब्लम इज कि हमारा उसके अंदर अनुराग नहीं आ रहा है। अगर अनुराग आ जाए तो हमारे एक आचार्य हुए जो क्या करते थे कि वो, बिकॉज एनवायरमेंट ऐसा हुआ था कि वो इतने सिद्ध महात्मा थे कि लोग आते थे उनके पास कि महाराज जी कृपा कर दीजिए हमारी शादी हो जाए, कृपा कर दीजिए ये हो जाए, तो उनको क्या था, वो भजन आनंदी साधु थे, श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, तो वो क्या करते थे, वो रेस्ट रूम में जाके और रेस्ट रूम में जप करते थे। कह रहे रेस्ट रूम में तो कोई नहीं आएगा, आप सोचिए, अगर हम सोचे, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे कि भगवान का नाम रेस्ट रूम में, नहीं नहीं नहीं, लेकिन अगर हम, इफ वी गो बैक टू पद्म पुराण, भगवान का नाम क्या है, पूर्ण शुद्ध हो नित्य मुक्त हो, भगवान का नाम पूर्ण रूप से शुद्ध है, कोई ऐसी चीज नहीं है, आप इतने पाप कर ही नहीं सकते कि भगवान का नाम आप उनको शुद्ध ना कर सके, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन अब ये कोई, ये बात कोई सुन के किसी का दिमाग घूमेगा और बोलेगा ठीक है, अब से पूरा हफ्ता पाप और संडे को नाम जब। मैं उसी के ऊपर आ रहा था कि ये भी एक डिस्क्लेमर दे देना, जो नाम अपराध में आता है, नाम लो बला दियस ये ही पाप बुद्धि, आप कहे जस, जो अगर आप इस बुद्धि से नाम करते हैं वो नाम अपराध है, तो आपको नाम का पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। तो आप ये भी याद रखिए, कभी जैसे प्रभुपाद जी एग्जांपल देते हैं कि जो क्रिश्चियंस व्हाट दे डू इज दे डू होल वीक, दे डू जो करना है उनको करते हैं, फिर संडे को आके फादर प्लीज फॉरगिव मी एंड प्रोवाइड मी माय ब्रेड एंड वाटर, राइट, ऐसा नहीं करना है। भगवान इज नॉट अ ऑर्डर सप्लायर, भगवान से प्रेम करना है। तो इसीलिए मतलब ऐसा नहीं है कि नाम कृपा नहीं करेगा, लेकिन पूर्ण तरह से नाम की अगर आप कृपा चाहते हो और अपराध रहित अगर आप जप करते हो, देन यू विल
इनडाउटेडली गेट द बेस्ट बेनिफिट ऑफ नाउ। तो पर कुछ कहना चाहूंगा, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा कि आपने इस प्रसंग के ऊपर कहा कि आपको केयरफुली नाम जप करना है, इससे आपकी नाम में प्रीति होगी। आजकल के दौर में हम देखते हैं कि यहाँ वहाँ कुछ पार्टीज हो रही है, ठीक है, राम नाम के गाने बज रहे हैं, बहुत अच्छा है, पर उन्हीं गानों में कुछ अभद्रता भी हमें देखने मिलती है जो कि अच्छा नहीं है। तो अगर आपको नाम में प्रीति और भगवान की प्राप्ति हो तो आपको केयरफुली ही नाम जप करना चाहिए। तो संतों की कृपा है, इसलिए उन्होंने कहा भाई कुभाई अनगा दसु नाम जपत मंगल विसिदसु, कि किसी भी अवस्था में कीजिए तो मंगल होगा। पर अगर आपको और अपना मंगल करना होगा, नाम में तो इतना बल है कि आप कोई भी कार्य करते हो तो आपको शुद्धि तो देगा ही, पर अगर आपको केयरफुली, आपने जैसे कहा कि रस आना चाहिए उस नाम जप में, आपके प्रीति बढ़नी चाहिए, तो उसके लिए आपको केयरफुली अनुराग, तो उसके लिए आपको केयरफुली ही करना होगा। मुझे बड़ा ही अच्छा लगा कि आपने इस बात को उठाया। और दूसरी बात कि जो आपने कहा, धन्यवाद उसको उठाने के लिए, कि जैसा हम कहते हैं ना कि डेबिट क्रेडिट का बैलेंस चलता है, मैं इतना पाप करूंगा फिर एक माला कर लूंगा तो मेरा बैलेंस सेट ऑफ हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। जैसा नाम अपराध में आता है, नाम अपराध यस्य ही पाप बुद्धिर् न विद्यते तस्य यमेर ही शुद्धि, की यमदूत भी आपके उस अपराध को शुद्ध नहीं कर पाएंगे। तो अगर कोई सोच रहे हैं कि 5 दिन पाप 2 दिन जाप तो वो आपका बैलेंस नहीं होगा, तो इसका भी ध्यान देना। तीसरी जो आपने रेस्टरूम का कहा कि जो आचार्य थे वे रेस्टरूम में जाकर फिर नाम जप करते थे, तो उससे मुझे हमारे महाराष्ट्र के संत तुकाराम महाराज उनका स्मरण होया। वो एक बार शौच कर रहे थे, तो वे नाम स्मरण कर रहे थे भगवान का, विठल 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 विठल। तो अब उस जमाने में तो टॉयलेट्स वगैरह होते नहीं थे, तो सब बाहर ही अपनी शुद्धि क्रिया के लिए जाते थे। तो उन्हीं के कुछ थोड़ी दूर और एक आदमी बैठा था, वो उन्हें कुछ अपशब्द कहता है कि क्यों इस अवस्था में नाम जप कर रहे हो, शर्म नहीं आती, ऐसा वैसा आदि आदि कहा उन्होंने। अब तुकाराम महाराज उन्हें कहते हैं, अगर इस अवस्था में मेरे प्राण चले गए तो तुम गारंटी देते हो क्या कि मुझे हरि पार्षद लेने आएंगे? नहीं ना, तो मुझे मेरा नाम जप करने दो। ये मैंने मकरंद बुआ रामदास जी, एक कीर्तनकार है महाराष्ट्र के, उनके प्रवचन में सुना। तो उनकी प्रीति इतनी नाम में बढ़ चुकी थी कि वे एक पल भी नाम के बिना रह नहीं पा रहे थे। ऐसे हमारे महाराष्ट्र में संत तुकाराम महाराज होकर, तुकाराम महाराज जी के अभंग हमारे पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज भी गाते हैं। अभी मैं स्मरण में नहीं आ रहा, मैं एक सुन रहा था, विठल भूल गया मैं, लेकिन बहुत बहुत सुंदर विठल अभंग जो है तुकाराम महाराज के। एक चीज याद है मुझे सिर्फ कि माझा गाँव, विठल तुकाराम महाराज बोलते हैं कि मुझे अपने गाँव जाना है, राइट, व्हेन ही इज लीविंग माझे माहेर पंढरी। जैसे शादी करने के बाद जो लड़की है ससुराल आती है, माहेर मीन्स पीहर होता है, जो उसके डैड और मॉम के फैमिली का घर। वैसे तुकाराम महाराज कहते माझे माहेर पंढरी, माय ओरिजिनल अबोड, की जो मेरा घर है वो तो पंढरी है। और फिर वो उसका दिखाते दूसरे अभंग में, कहते हैं तू काम हरण सोपे वैकुंठा सिजाता राम कृष्ण कथा हे चीवाट। अब उस घर में जाने के लिए आपको क्या रास्ता है, राम कृष्ण कथा, इनकी कथा है, इनकी कथा का स्मरण है, इनका चिंतन है, यही आपको पुनः वैकुंठ, जो आपका घर है माझे माहेर पंढरी, वही आपको लेके जाएगी। तो जैसे हम तुकाराम महाराज के इश्य में कह रहा था, जो शौच के समय भी नाम जप करते हैं, तो कदाचित मुझे स्मरण में नहीं है गौड़ीय संप्रदाय में भी कोई एक आचार्य रह चुके हैं या थे, ऐसा कुछ है जो जिह्वा को पकड़ के चिंतन मुझे, करते थे? मुझे हाँ, मुझे लगता है ये महाप्रभु की लीला है, कोई आचार्य मुझे भी अभी स्मरण नहीं हो पा रहा है, लेकिन है कि उसमें ऐसे ही सोच के ही लीला है। तो उसमें जो आचार्य थे या श्रीमन महाप्रभु हिमसेल्फ में भी, कि वो क्या करते थे कि वो अपनी जिह्वा को पकड़ के और सोच क्रिया करने गए। तो ऐसे फिर किसी ने पीछे से पूछा कि अगर सेम लॉजिक, अगर इस समय आपके प्राण चले गए तो क्या होगा, वो सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए ये लीला हो। हमें से यह समन्वय देखने मिलता है कि जैसा आपने एकदम पॉडकास्ट के आरंभ में कहा था, जो सारे संप्रदाय है, जो वैष्णव संप्रदाय है, सिद्धांत क्या, हरि नाम में प्रेम हो, तो वे इस प्रेम को हम जैसे मूढ़मती लोगों को दिखाने के लिए कि प्रेम आपका इतना, अनुराग आपका नाम में होना चाहिए, तो ऐसी लीलाएं करते हैं। तो प्रोजी, अब हम पॉडकास्ट के कुछ अंतिम भाग के विषय, अंतिम भाग की ओर आते हैं। अब आप रहते हैं वेस्ट में, कैनेडा में रहते हैं, आपका वहाँ का वातावरण, जो भारत में जो वातावरण मिलता है वो आपको वहाँ पर उतना अधिक नहीं मिलता है, पर
हरि गुरु कृपा के कारण आपको वहाँ पे कई संतों का सानिध्य भी है, आप इस्कॉन में सेवा में भी तत्पर रहते हैं, आप कई सेवा में भी जाते हैं इस्कॉन के, और जब जुड़े हुए हैं तो आप वहाँ देखते हैं और इंडिया में देखते हो, तो आप जो अपने एज ब्रैकेट के जो युवा है आप उन्हें क्या संदेश दोगे? तो अभी मैंने जो एक्चुअली हरिदास ठाकुर की जो मैंने लीला वर्णन किया, तो मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा, लेकिन मैं आई लाइक टू एक्सपैंड ऑन उनकी एक जीवन चरित्र है, उसको एक बार देख के जीवन चरित्र का उसके, देन आई विल पुट सम लाइट कि उसमें से जो युवा अवस्था में जो लोग हैं वो क्या सीख सकते हैं उसमें से। इट्स वेरी वेरी अमेजिंग, मतलब जिस तरीके से शास्त्र हमें दिखाता है कि इवन शास्त्र और संत वो प्रस्तुत करते हैं कि आगे जाके जो इन लोगों को प्रॉब्लम्स होने वाली है एक बार देख लो, एक बार बोलते हैं ना दूध का जला पानी भी फूक फूक के पीता है, कुछ ऐसा समथिंग है ना, क्या है, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो वही वही इसीलिए वो जो हमारे आचार्य जो संत है वो इसीलिए दिखाते हैं कि एक बार देख लो ऐसा होता है। तो इसीलिए जो हरिदास ठाकुर की एक साथ एक लीला हुई, तो वो क्या थे, ही वाज फ्रॉम अ मुस्लिम बैकग्राउंड, तो लेकिन वो शुरू से ही उनके नाम में प्रीति थी, तो इसलिए हरिदास ठाकुर के जो एरिया में थे वो जो मुस्लिम रूलर स्पेशली जैसे सरपंच या फिर उनके आगे किंग, तो उसके जो लोकल रूलर थे उनको क्या हुआ, उनसे यू नो सम डिफरेंस वाज देयर बिकॉज देयर मुस्लिम फैमिली मुस्लिम एरिया, सो वो बोले कि अभी इनको देख के इनके सिद्धियों को देख के, तो मतलब एज एन ही वाज अ सिद्ध महात्मा, वो उनको देख के कि लोगों को कन्वर्ट ना हो जाए, तो इसलिए उनको ऐसा थोड़ा वो यू नो अंदर से था कि यू नो नाम भजन करे मुस्लिम्स को कन्वर्ट कर देगा सब हिंदू बन जाएंगे, तो उन्होंने क्या भेजा, वो अपनी गुफा वो भजन करते थे हरिदास ठाकुर, तो उन्होंने जो उस एरिया के जो रूलर थे उन्होंने क्या किया कि ही हायर्ड ए प्रोस्टिट्यूट, एक वैश्य को हायर किया और उन्होंने बोला कि आप जाइए और उनका पतन करवाइए और समाज में यू नो वो फैलेगा कि हो गया एंड देन सबका हिंदू धर्म से वो हो जाएगा, नाम से उस विश्वास उठ जाएगा, यू नो व्हाटएवर इज फॉलोइंग, सो आवर पोजीशन विल बी सिक्योर्ड, यू नो मुस्लिम रूलर एंड एवरीथिंग। तो इसीलिए वो फिर आई वैश्य और हरिदास ठाकुर के पास गई, तो हरिदास ठाकुर क्या जैसे हमने मेंशन किया 300,000 नाम एवरी सिंगल डे, तो हरिदास ठाकुर तुलसी का पौधा रखते थे अपने आगे और जस्ट नाम जप, क्योंकि स्वयं नामाचार्य महाप्रभु ने उनको बोला नामाचार्य, नाम के आचार्य। तो वैश्य आई और हरिदास ठाकुर जी जप कर रहे हैं, तो हरिदास ठाकुर जी जो थे वो ही इज नॉट एक साधक नहीं थे, वो सिर्फ वो नाम आचार्य थे। तो हम जब प्रॉब्लम्स कोई अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम आई, लेट्स जस्ट वैश्य छोड़िए कोई प्रॉब्लम आए, तो हम क्या सोचेंगे कि हम उस प्रॉब्लम से कैसे निकले, फर्स्ट थॉट हाउ कैन वी, हमारा सोचना है, बाकी तो ठीक है हमारा साधन ठीक होना चाहिए, हमारी लाइफ में खुशी होनी चाहिए, पहले हमारा सोचो ऐसे, दैट वो हमारी बद्ध अवस्था में ये सोच है। लेकिन वो क्या थे, मुक्त जीव थे, वो नाम में रस प्राप्त कर रहे थे, वो प्रेम प्राप्त जीव थे, नॉट इवन मुक्त, मुक्ति तो एक चीज है, प्रेम प्राप्त जीव थे, उनके पास प्रेम था। तो जो वैश्य आई तो हरिदास ठाकुर ने सिर्फ ये नहीं सोचा कि मेरा कल्याण कैसे, वो तो नित्य मुक्त थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो चल के चले जाते और खत्म हो जाती बात वही। लेकिन हरिदास ठाकुर ने क्या बोला, आप बैठिए उधर, वैश्य को बोला कि आप बैठिए और अभी मैं नाम जप कर रहा हूँ, नाम जप खत्म हो जाएगा तो आपको जो भी कार्य करना है आप, मैं आपसे बात करूंगा बाद में, नाम जप करने दीजिए। तो नाम जप किया, वो करते रहे, वो वैश्य वहीं बैठी रही सुनती रही नाम जप। तो ये भी एक महिमा भी है कि एक संत के मुख से शुद्ध नाम प्रेम नाम सुनने की क्या महिमा है, तो ये यहाँ भी इस लीला में दर्शित होता है कि उसकी क्या महिमा है। तो वो जपती रही, फिर वो चली गई कि ठीक है अभी तो नाम जप पड़ा है, वो चली गई, फिर वो अगले दिन फिर आई, तो ऐसा चलता रहा कि हरिदास ठाकुर ने फिर वही बोला। तो एक दिन क्या हुआ कि जो शुद्ध नाम सुनने से उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा कि वो दंडवत अपने आप को समर्पण कर दिया हरिदास ठाकुर को और बोला कि मतलब गुरु की तरह उनको देखने लगे कि आप मुझ पर कृपा कीजिए कि मैं इतनी मतलब I've lived my life in sin, I've lived my life in darkness, अंधकार में तमस में मैंने अपना पूरा जीवन गुजारा है, कि आप अभी गुरु रूप, मैंने आपको गुरु रूप से स्वीकार किया है, आप मुझे स्वीकार कीजिए और आप मुझे कोई आज्ञा दीजिए कि मैं मेरा कैसे शुद्धिकरण हो। तो पहले तो हरिदास ठाकुर बोले कि आप जाइए और जो अपना जो धन है जो आपने गलत तरीके से कमाया है उसको ब्राह्मणों में वैष्णवों में बांट दीजिए क्योंकि आप उस धन का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज द मेन की ऑफ दिस होल लीला। तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं वैश्य को, निरंतर नाम लो करो तुलसी सेवन, आची राते पावे तुमी कृष्णेर चरण। तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि निरंतर नाम लो,
अगर किसी भी अवस्था में है जीव, निरंतर नाम लो। हरिदास ठाकुर उस वैश्य को बोलते हैं जिसने पूरे अपने जीवन तमस में अंधकार में रही है वो, तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि निरंतर नाम लो, बस नाम लो, क्योंकि वही सार अतिसार है सभी साधनाओं का मूल और सार वही है नाम। तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं निरंतर नाम लो, और सेकंड करो तुलसी सेवन, क्योंकि तुलसी भगवान को बहुत प्रिय है। और तुलसी अगर आप जैसे अगर आप भक्तों के संग में नाम, यहाँ के सिद्धांत प्रस्तुत होता है कि अगर आप भक्तों के संग में नाम जप ना कर सको तो तुलसी महारानी, या फिर एक जगह ये भी कि शिवजी, जो शिवजी अगर आप जैसे अखंड नाम संकीर्तन करते हैं तो आप अगर शिव मंदिर में करें और आप सो भी जाएं तो अखंड ही होगा, क्योंकि शिवजी अखंड नाम संकीर्तन करते हैं। तो इसीलिए कमिंग बैक कि जो तुलसी महारानी है, अगर आप भक्तों के संग में ना कर सकें, जो तुलसी महारानी के संग में अगर आप बैठ के नाम जप करें तो आपको एक शुद्ध भक्त, एक शुद्ध साधु, वैसे तो तुलसी महारानी भगवान की नित्य पार्षद है, बट जो महिमा आती है शास्त्रों में कि जो शुद्ध भक्त के साथ, एक शुद्ध साधु के साथ जब आप नाम जप करते हो तो उसका पोटेंसी इंक्रीज इवन मोर, राइट। तो इसीलिए उन्होंने दो इंस्ट्रक्शंस दिए, और इन दोनों को करने से क्या होगा, निरंतर नाम लो और करो तुलसी सेवन, उससे क्या होगा, आची राते पावे तुमी कृष्णे रचरण, कि ओ वैश्या अभी तो आपने मुझे गुरु रूप से स्वीकार कर लिया, तो अभी गुरु का क्या काम होता है यहाँ भी, पता क्या मैं आपको बता रहा हूँ कि जो चैतन्य चरितामृत में जो लीला है ना, किसी भी शास्त्र में, बट ये चैतन्य चरितामृत में हर लीला में सिद्धांत ही सिद्धांत है, इतने सिद्धांत है कि मतलब लीला का वर्णन करते करते थक जाए, कि क्योंकि वो हर छोटी सी चीज में कितना बड़ा सिद्धांत है, ठीक है। तो इसलिए हरिदास ठाकुर बोले कि अभी आप, दिस इज द सिद्धांत आई एम प्रस्तुत, अभी जो बंगाली वर्ष में आया ये सिर्फ उसका व्याख्यान है, कि उसमें हरिदास ठाकुर बोले कि आची राते पावे तुम्हें कृष्ण रचरण, तो गुरु की क्या जॉब है, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द गुरु, यहाँ पे सिद्धांत प्रस्तुत होता है कि जो जीव को श्री भगवान के चरण को, श्री भगवान के चरण में स्थापित कर देना, आची राते पावे तुम्ही कृष्ण रचरण, गुरु के ये योग्यता है और ये जॉब है गुरु की, कि वो जो जीव को ना कोई मटेरियल बेनिफिट प्रदान करे, ना कोई संसारिक बेनिफिट प्रदान करे, नहीं, जीव को क्या होना चाहिए, आची राते पावे तुम्ही कृष्ण रचरण, ऐसी आज्ञा दे जिससे जीव क्या करे, कृष्ण के चरण की प्राप्ति करे। तो ऐसे हरिदास ठाकुर बोलते हैं, और आची राते वर्ड वेरी सिग्निफिकेंट, जो दो इंस्ट्रक्शंस अगर कोई फॉलो करता है तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि इफ यू डू निरंतर नाम एंड तुलसी सेवन देन आची राते इज वेरी क्विकली, इट्स वेरी, जो वर्ड्स यूज किए हैं इस श्लोक में, आची राते पावे तुम्ही कृष्ण रचरण, तो वेरी क्विकली विल गेट द लोटस फीट ऑफ कृष्ण। तो अभी लीला हो गया, अभी सिद्धांत भी थोड़ा बहुत बोल दिया, लेकिन अभी आंसर टू द क्वेश्चन कि युवावस्था में स्पेशली जब हम वी आर फेसिंग नॉट जस्ट जैसे एक्सटर्नल डिफिकल्टीज भी इंटरनल डिफिकल्टीज भी, इट्स अ कंफ्यूजिंग फेज इन लाइफ, राइट, कि अभी ना बच्चे हैं और ना पूर्ण तरीके से बड़े हैं, ठीक है, ये युवा अवस्था बीच में फंस गए हैं अभी, तो हम भी युवा अवस्था में है, बट गुरु हरि गुरु कृपा से, थोड़ा शास्त्रों की कृपा से अभी थोड़ा पता चला है कि क्या करना है, राइट। तो इस लीला से आप कुछ बोलने वाले थे प्रभु, बोलिए। नहीं, आप कही बात ना करना, ठीक है। तो सिद्धांत से अभी हम इस लीला से देखते हैं कि युवावस्था में अगर हरिदास ठाकुर, हम उस समय जो थे हरिदास ठाकुर इन दिस लीला, वो युवावस्था में थे, तो आप ये समझ लीजिए, और उनका जन्म कहाँ हुआ था, एक मुस्लिम फैमिली में, मोहम्मदन फैमिली में। तो हरिदास ठाकुर ने उस टाइम वो क्या कर रहे थे, नाम जप कर रहे थे, तो आप ये समझ लीजिए कि हरिदास ठाकुर भी युवावस्था में थे, वो भी कलयुग में थे, तो जनरल बात ये समझ सकते हैं कि उनको भी माइंड में he also might have some anxieties, he might have some tension, although no, but because he is doing this lila to show us, that is the whole point of शास्त्र, कि जो आचार्य या शास्त्र में जो लीलाएं वर्णन है वो क्या करते हैं, हमें दिखाने के लिए कि हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आएंगी हम उनको कैसे हैंडल करें। तो हरिदास ठाकुर युवावस्था में होते हुए उन्होंने सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस की, क्योंकि उनका स्वभाव क्या था, साधु, वो साधु थे, और उनका स्वभाव क्या था, विरक्ति। उनके जो प्रॉब्लम आई वो दैट वाज कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ विरक्ति एक वैश्य, राइट। तो हमारी लाइफ में भी जो स्पेशली युवावस्था में, हमारी लाइफ में भी जो भी हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, एटलीस्ट हमें जो लगता है प्रॉब्लम्स आती हैं, वो क्या आती है, कंप्लीटली ऑपोजिट, हमें लगता है कि कंप्लीटली ऑपोजिट हमारे स्वभाव के, करियर टेंशन, फैमिली टेंशन, जो भी टेंशन, मतलब कुछ ना कुछ टेंशन है ये, और हमारा स्वभाव क्या हैप्पीनेस, हैप्पीनेस चाहिए हमें यू नो आनंद चाहिए, not even happiness, happiness to temporary, हमें क्या चाहिए, relax, you know, some people may qualify this as laziness as well, but ultimately we want to be relaxed, right? Everything विपरीत उस, everything opposite to that relaxing or happiness is, it's the opposite, right? It's a problem.
सो हरिदास ठाकुर इज शोइंग दैट ही बीइंग सिचुएटेड एज अ वैरागी, उनका बिल्कुल ऑपोजिट उनके स्वभाव के जो उनके पास प्रॉब्लम आई वो क्या थी, एक वैश्या, एक वन अ प्रोस्टिट्यूट. सो इफ वी आर इन अ सिचुएशन ऑल, मतलब हमारी जो अभी युवावस्था में स्पेशली जो सिचुएशन है, हमारी जो प्रॉब्लम्स आएंगी बिल्कुल हमारी परिस्थिति के विपरीत होंगी. दैट इज व्हाई, दैट इज व्हाट क्लासिफाइड एज अ प्रॉब्लम, राइट? क्योंकि दैट इज नॉट फेवरेबल टू अस. हां, तो इसीलिए हरिदास ठाकुर के पास हुआ. लेकिन अब उन्होंने कैसे जीता? अभी हमारे लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स हो गई, आप अब 10 सेकंड अभी जो मैं बोल रहा हूँ ना, आप माइंड में सोच लीजिए, मेरे लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है, जो भी पॉडकास्ट सुन रहे हैं, मेरे लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है. ठीक है, हम भी सोच सकते हैं, सब सोच सकते हैं कि प्रॉब्लम सबके लाइफ में है. भगवान गीता में बोलते हैं कि एक्चुअली डेफिनेशन क्या दिया वर्ल्ड में, कि अभी जीव वर्ल्ड में आ रहा है, मान लिया आपको वार्न एक होता है ना, जैसे इफ यू आर यूजिंग सम टॉक्सिक सब्सटेंस, उसमें होता है वार्निंग साइन, है ना. तो जीव जब मटेरियल वर्ल्ड में आ गया, तो भगवान ने मटेरियल वर्ल्ड पे, इस भौतिक जगत पे एक वार्निंग साइन लगाया. और गीता में इस वार्निंग साइन को बोला गया कि दुखालयम अशाश्वतम. ठीक है, भगवान ने बोल दिया है, अभी आप क्या सुख ढूंढेंगे? जब दुनिया बनाने वाले ने बोल दिया है कि ये दुखालय है, तो आप क्यों सुख ढूंढ रहे? पहली बात तो आप यही अपना गोल ही चेंज कीजिए. मतलब मटेरियल सुख, आई एम टॉकिंग अबाउट भौतिक सुख, क्योंकि जो जीव का जो परम आनंद जो मिलेगा वो तो आध्यात्मिक सुख ही मिलेगा. लेकिन जो हम एंडेवर कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू फाइंड भौतिक सुख, यू नो, किसी को पैसे में सुख चाहिए, किसी को खाने में सुख चाहिए, किसी को विवाहित जीवन में सुख चाहिए, राइट? तो इसमें जो ये सब है भौतिक सुख. इसीलिए भगवान ने क्या बोल दिया, दुखालयम अशाश्वतम. पहले तो जस्ट हैव दिस इन योर माइंड कि दुखालय है. दुखालयम मतलब आलयम, इट्स अ प्लेस, इट्स अ सेंटर फॉर दुख, भगवान ने बोल दिया. ठीक है, मैं 2-3 बार बोल रहा हूँ, ये अपने माइंड में डाल लीजिए, दुखालयम. और अशाश्वतम, इट इज टेम्परेरी. ठीक है, तो ये दुख भी है और टेम्परेरी भी है. तो ना इसमें अटैचमेंट्स होनी चाहिए और ना इसमें सुख की कामना होनी चाहिए. बट हमारी क्या है, हमारे अटैचमेंट्स भी हैं, हमारे सुख की कामना भी है, कंप्लीटली ऑपोजिट. वार्निंग साइन पढ़ा ही नहीं. अगर आप टॉक्सिक सब्सटेंस का वार्निंग साइन नहीं पढ़ेंगे तो हालत बुरी ही होगी. तो इसीलिए कमिंग बैक टू हरिदास ठाकुर नाउ, कि उन्होंने ही फेस्ड अ प्रॉब्लम एंड वो लेकिन क्या कर रहे थे, उन्होंने कैसे विजय प्राप्त की उसके ऊपर, नाम जप से. नाम जप अगर हम करेंगे किसी भी अवस्था में, अभी तो हम युवा अवस्था की बात करें, आप बच्चे हो, कौमार आचरित प्रज्ञ हो, भागवत हमने बोला कि आप 5 साल की उम्र से ही भजन कीजिए, तो उस बच्चों की क्या प्रॉब्लम है, मम्मी मुझे स्कूल नहीं जाना, उनको भी माला पकड़ा दीजिए, उनको भी आनंद मिल जाएगा. तो एंड एज यू गेट ओल्डर, आपके जो दुख के कारण है, दुख तो नहीं बढ़ता है, दुख के हमारे जो माइंड में जो दुख के जो कारण है वो बढ़ जाते हैं. अभी जो युवावस्था में चलने में दुख नहीं है, बट वही आप थोड़े ओल्ड एज हो जाओ तो चलने में भी दुख है. तो चलने में दुख नहीं, बट इट्स जस्ट अ परसेप्शन ऑफ दुख, राइट? तो इन दैट सेम वे वी कैन ओवरकम, हम सबसे ऊपर उठ सकते हैं. ऐसा मत सोचिए कि ठीक है एक्सटर्नल डिफिकल्टीज हमारे सबके लाइफ में है, लेकिन इंटरनली वी मस्ट बी स्ट्रांग. कि अल्टीमेटली भगवान ने अगर इसको वार्निंग साइन दे दिया कि दुखालय है, ठीक है, यू नो वी आर ह्यूमंस एंड वी आर gonna experience some dukh, something, but we must not be that much affected by it that we lose everything. Internally we must be strong. So isliye especially yuvavastha mein, kyunki ye kya hai ki it is the when you're small, jab aap chote hote hain tab itna pata nahi hota, maya ka bhi pata nahi hota, maya kya hai, jeev kya hai, chodo. To abhi jab aap bade hote hain, then you thoda maya se aapka, you know, baatcheet hoti hai thoda, abhi maya kya hai, theek hai, to ichhaen aur wo sab to abhi yuvavastha mein aayenge. तो अभी जो ये जो बेस बनाने का जो टाइम है, दैट इज युवावस्था. नॉट जस्ट बेस इन करियर, नॉट जस्ट बेस्ड इन यू नो मटेरियल लाइफ, भौतिक जीवन में नहीं, उसमें भी युवावस्था इंपॉर्टेंट है. लेकिन युवावस्था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आध्यात्मिक जीवन के लिए. तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हरिदास ठाकुर की तरह नाम जप. और जो भी प्रॉब्लम्स हमारी परिस्थिति के विपरीत आए, नाम जप से हम 110% वी कैन ओवरकम. बट हमें क्या करना है, अपराध रहित नाम. आपको क्या लगता है कि मतलब पर्सनली स्पीक, आई एम जस्ट 18 इयर्स ओल्ड, आप देयर इज नो रीजन फॉर मी टू बी सिटिंग हियर एंड टॉकिंग अबाउट हरि नाम, राइट? इन दिस मतलब अभी के जो वातावरण में, इट्स नॉट मतलब मैं ऐसा नहीं बोलता कि मेरी कोई उसमें बढ़ाव है, नहीं. हरि नाम की और जिन्होंने हमें हरि नाम दिया है, आचार्य गुरु वैष्णव जो जिन्होंने दिया है, उनकी महिमा है कि वो हमें रियलाइज करवा देते हैं कि सच में दुखालय में है. अभी I'll give another analogy कि जो ये जगत के ऊपर वार्निंग साइन लग गया है, लेकिन हमारे आईज में कैटरेक्ट हो गया, हमें दिख ही नहीं रहा है, तो हरि गुरु वैष्णव क्या करते हैं कि वो उसको जस्ट निकाल देते हैं, फिर हमें वो दिख जाता है.
कि हाँ वार्निंग साइन है, अभी अभी एक्सपेक्टेशंस या सुख की कामना है वो सब कम कीजिए, ठीक है। तो इसीलिए यो अवस्था में या जिस किसी भी अवस्था में हमें हरि नाम की शेल्टर लेनी है। और अभी कोई प्रश्न कर सकता है कि ठीक है हरि नाम की शरण लेनी है, लेकिन हम तो हरिदास ठाकुर है नहीं, वो तो हरिदास ठाकुर थे, सिद्ध महात्मा थे, हम थोड़ी है हरिदास ठाकुर। तो हमारे पूज्य गुरु महाराज बोलते हैं कि जो हरिना, ठीक है आप हरिदास ठाकुर नहीं हो, गुरु महाराज डायरेक्टली बोलते हैं, हमें पता है आप हरिदास ठाकुर नहीं हो, तो गुरु आप हरिदास ठाकुर नहीं हो, लेकिन गुरु महाराज बोलते हैं कि जो नाम की जो महिमा है वो 500 साल पहले भी इतनी थी और अब भी इतनी है, तो आप कीजिए नाम, और उससे 100% कल्याण होगा। किसी भी अवस्था में आपको क्लैरिटी मिलेगी। प्रभुपाद जी का एक बहुत फेमस कोट है, श्रील प्रभुपाद जी का, वो बोलते हैं चैंट एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर। अभी कुछ भी प्रॉब्लम है, जस्ट ये विश्वास, अगर अभी जो इतना पूरा 1 घंटे का पॉडकास्ट सुन के अगर किसी ने कुछ नहीं समझा, तो अभी एक बात ले लीजिए, चैंट एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर। जस्ट इवन इफ यू डोंट ट्रस्ट, ट्रस्ट वंस, सी एंड यू विल रियलाइज ऑल्सो। बहुत 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 सुंदर कहा कि आपने, मुझे यह बहुत अच्छा लगा कि आपने नाम जप और जप के ऊपर अधिक फोकस दिया है, क्योंकि उससे चित्त शुद्धि होती है, और जब चित्त शुद्धि होती है तो जैसे आपने कहा कि संत गुरुजन आंखों का कैटरैक्ट निकालते हैं, तो वैसे ही जी नाम जप से जो आवरण आते हैं, माने जो संस्कार है मन से, वो शुद्ध 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 होते जाते हैं, वो जो मलिनता है, जो आपने एकदम पूर्व में कहा कि मार्जन होता है, वो नाम जप मार्जिन, से ही होता है। तो इसलिए, और अब के समय में हम तो नाम महत्वता को तो देखते ही है, क्योंकि प्रेमानंद महाराज, जी उन्होंने तो नाम जप के आदि के विषय में बहुत बहुत अनेकों अनेकों लोगों को प्रेरित किया। और मुझे यह भी जी बड़ा अच्छा लगा कि आपने कहा कि ये जो युवावस्था है बेस होता है, इससे मुझे हमारे दक्षिण भारत में वेलुकुंडी कृष्णन नाम के स्वामी जी है, जो कि श्री वैष्णव संप्रदाय से आते हैं, रामानुजाचार्य जी की परंपरा से आते जी हैं, जी वे बहुत अच्छा कहते हैं कि वे कहते हैं कि जो शास्त्र आदि है, ये जो है ये हमें हमारे बचपन और युवावस्था में सीख लेने चाहिए, क्यों फिर आगे जाकर वी हैव अ रूम फॉर हायर स्टडीज, पर अगर यस बचपन में ही ये फाउंडेशन अच्छा नहीं है तो आगे जाके सिर्फ क्वेश्चंस और क्वेश्चंस रहते हैं। वो कहते हैं ऐसा नहीं है कि हम उन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाते, हम उत्तर दे पाएंगे, पर फिर वो आगे आपके ग्रोथ नहीं होगी, आप बस उसी में उलझे रह जाओगे, उससे अच्छा है। इसका एक हमारे गौड़ियाचार्य बोलते हैं कि जो दिव्य ज्ञान है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। अगर आप जो दिव्य ज्ञान है वो हृदय में प्रकाशन होता है। तो अगर आप युवावस्था से अगर आप बेस बनाएंगे कि आपका यू नो शास्त्र में अंडरस्टैंडिंग, नाम में, नाम जप में फेथ, एटलीस्ट नॉट इवन अंडरस्टैंडिंग, आप फेथ लाइए एटलीस्ट, अभी तो फेथ भी बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए जब आप आगे जाएंगे तो दिव्य ज्ञान क्या होगा, अगर आप पढ़ेंगे भी नहीं ना तो हृदय में प्रकाशित होगा। लेकिन अगर आप बेस नहीं बनाएंगे और आगे जाके आपके क्वेश्चंस भी होंगे, क्वेश्चन के सटीक आंसर भी मिल जाएंगे, लेकिन क्या होगा, वो जो ज्ञान है प्रकाशन तो नहीं हुआ ना, वो ऊपर ऊपर का है, फिर आपके डाउट्स आएंगे। तो इसीलिए यू वॉन्ट, वो रियलाइजेशन बोलते हैं ना, एक होता है अंडरस्टैंडिंग, वन इज रियलाइजेशन। बस यही कह रहा था कि आपका संदेश बड़ा अच्छा लगा, एकदम सटीक लगा मुझे, कि बहुत एम्फेसिस कर रहे हो कि चित्त शुद्धि, और चित्त शुद्धि के कारण जो अंदर से बल मिलता है उस बल के ऊपर। तो अगर आप दर्शक, अगर आप अभी तक जुड़े हुए हो साधकों, तो बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट को देखने के लिए, और चैतन्य विश्वंबर दास जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आपका समय निकाला। दर्शकों को कहना चाहूंगा, इनके अभी परीक्षाएं शुरू है, इनके परीक्षाओं में भी इन्होंने समय निकाल कर इस पॉडकास्ट के लिए टाइम दिया, समय दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं इनके जो इंस्टाग्राम का चैनल है, मैं इसकी भी लिंक नीचे इस यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, ट्विटर के भी पोस्ट में डाल दूंगा, आप इन्हें जाइए फॉलो कीजिए, बड़े ही अच्छे अच्छे छोटे छोटे रील्स बनाते हैं, अच्छे अच्छे शॉर्ट्स बनाते हैं, जिससे हमें गौड़ीय परंपरा के आचार्य के विषय में पता चलता है, जिसमें हमें नाम जप आदि के विषय में पता चलता है, श्रीमद् भगवद गीता के विषय में पता चलता है, और मेरी और इनकी भेंट भी उन्हीं के रील के कारण हुई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारा चैतन्य जी सौभाग्य है कि कि हम आपसे मिले आपने, प्रभु वेदांत प्रभु। तो हमारा सौभाग्य है कि हमें आप जैसे एकदम दृढ़ साधक से मिलने का अवसर कृपा मिला। चलिए, कृपा, धन्यवाद। श्री राम, जय राम, जय जय राम, हरे कृष्ण, जय जय हरे राम। कृष्ण।